एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज हम बना रहे हैं समोसा और रोल पट्टी। रमज़ान करीब है और घर में ही बनाएंगे क्योंकि होममेड सबसे बेस्ट होता है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले हाथ से। जब तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें राइट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। बराबर में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखें, जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में, बिल्कुल उसी तरह से इसको गूंद लेना है। वैसे भी लॉकडाउन है और कहीं पर भी चीज़ें ठीक तरह से अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में ही रहें और घर में ही अच्छा सेहतमंद हेल्दी खाना बनाएं। अच्छे से गूंद कर एक नीट सी डो रेडी कर लेंगे इसकी और करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, कुकर पर ही रखना है। हो गए हैं इसको और अब 15 मिनट के बाद इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, जिस तरह से नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं उससे थोड़े छोटे ही रखने हैं पेड़े। और इस तमाम मैदे में मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, 3 पेड़े से 1 रोटी बनाएंगे। ये देखें, 6 अदद पेड़े बन गए हैं सारे मैदे के जो हमने 2 कप मैदा गूंदा था। अब 1 अदद पेड़ा ले लेंगे और इसको बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेलना है, लेकिन थोड़ा छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसको बेल लेंगे। अब इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल, और ऑयल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से खूब सारा ऑयल लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे हाथ की मदद से, और जिस साइड पर ऑयल लगाया है वही साइड मैदे के ऊपर रख देना है। अब इसी तरह से दूसरे पेड़े को भी बेल लेना है, ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसका साइज उतना ही रखना है जितना साइज पहली रोटी का रखा है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसका भी ऑयल वाला साइड मैदे के ऊपर रख देंगे। अब तीसरा पेड़ा लेंगे और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बेल लेंगे। और इस पेड़े पर कुछ नहीं लगाना, ना ऑयल ना मैदा। अब जो फर्स्ट वाली रोटी हमने रेडी करी थी वो लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा मैदा और लगा लेंगे, और जो हमने सेकंड रोटी रेडी की थी वो रख देंगे इसके ऊपर। जो ऑयल वाला साइड है वो ऊपर ही आएगा। मैदा डस्ट किया थोड़ा, और जो लास्ट वाला पेड़ा था जिसकी हमने रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर रख देंगे और अब इनको बेल लेंगे। अब इसको तवे पर सेक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट के लिए या उससे भी थोड़ा कम, 45 सेकंड्स के लिए इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाना है। एक साइड पक जाए तो दूसरा साइड भी 45 सेकंड्स के लिए पकाना है और बस ये रेडी है। तो ये देखिए, हमारी समोसा पट्टी रेडी है। कितना ईजिली आसान तरीके से हमने घर में रेडी कर ली, और आप देख सकते हैं कि रोटियाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं एक दूसरे से बहुत आसानी से। रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो समोसा पट्टी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब बस इसकी कटिंग करेंगे। अब बहुत ख्याल के साथ इसकी कटिंग करनी है, मेजरमेंट्स सही रखनी है, इसकी जो लंबाई रखनी है वो 9 इंच रखनी है, 9 इंच पर निशान लगा लें, और जो चौड़ाई है वो 6 इंच रखनी है। ये समोसा पट्टी की मेजरमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको, लंबाई में 9 इंच और चौड़ाई में 6 इंच। अभी जो साइड कटिंग्स है ना, ये ज़ाया नहीं होंगी, इनको आप पापड़ी बना लें और चाट के ऊपर डालकर एंजॉय करें।
अब इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे, जो साइड्स हैं वो रिमूव कर देंगे। अब इनको बीच से हाफ कर लेंगे, मतलब कि एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होगी। ये समोसा पट्टी की कटिंग है। समोसा पट्टी रेडी है और ये रोल पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रखिए, मतलब 6 इंच लंबाई और 6 इंच ही चौड़ाई। इन समोसा और रोल पट्टी को आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय।